कुल शांत, ठीक है। कल की क्लास में हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन और सर्कल की जनरल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, याद है। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x माइनस h का होल स्क्वायर। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हल्का सा याद हो जाएगा ना, रिकॉल हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन करने मजा आएगा। पहला था सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या थे? h कॉमा k, और रेडियस क्या थी? r। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर तो कहां लाई कर रहा हो? एच कॉमा के पर, और रेडियस कहां लाई कर रही हो? आर पर। उस सर्कल की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अभी समझो, इसी का दूसरा रूप सुनो, इसी का दूसरा रूप क्या होगा? एच कॉमा के अगर कहां पर लाई कर रहा हो? ओरिजिन पर लाई कर रहा हो। कहां पर? ओरिजिन पर। यानी अगर सेंटर ओरिजिन पर लाई कर रहा हो, इफ द सेंटर is at origin, बताओ अगर सेंटर ओरिजिन पे होगा, इसका मतलब h बराबर 0, k बराबर 0, तो फिर इक्वेशन बन जाएगी क्या? x square plus y square is equal to r square। फिर तीसरी मैंने बताई थी जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। बस ये तीन बातें हमने कल तक की थी, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, 2fy होता है यहाँ पर, 2fy plus c equal to 0, ठीक है। अगर ये इक्वेशन आप यूज कर रहे हैं तो फिर सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बहुत अच्छे, तब सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस क्या होगी? रेडियस होगी अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहां तक कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं? एग्जाम्पल भी हमने कल की क्लास में निपटा दिए थे, एक्सरसाइज 10.1 या फिर 11.1, है ना, नई किताब में 10.1 और पुरानी किताब में 11.1 के हिसाब से हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कोई प्रॉब्लम? पक्का? बहुत अच्छे। 6 से लेकर 10 तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। 9th, आइए 9th पे आइए, ठीक है ना। चलो जी, 1 से 5 में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 5 टू 10 में एक प्रॉब्लम पूछी गई है 9th। चलो जी, 9th क्वेश्चन में कहा गया है, भाई बात ना करो प्लीज, इसने कहा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, और हमसे कहा है इस सर्कल के सेंटर और रेडियस बताओ, यही कहा होगा ना, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस फाइंड करने के लिए कहा है। तो बताओ, मैंने आपको कल एक बहुत काम की बात बताई थी कि सर्कल की इक्वेशन के लिए जरूरी होता है कि उसका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट सेम होना चाहिए। वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, लेकिन सेम के साथ साथ बेहतर होता अगर ये क्या होता? वन होता। अगर वन होता तो और बेहतर होता, समझ गए ना। तो हम क्योंकि जब इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो वन होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होना चाहिए? वन। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करोगे तब भी वन ही बना करके करना पड़ेगा, मजबूरी होती है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अब किसी भी इक्वेशन का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट वन बनाने का रास्ता है मेरे पास, क्या? इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा किससे? डिवाइड बाई टू बोथ साइड। दोनों साइड अगर हम एक काम कर दें तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर। तो अब टू से डिवाइड कराया, बताइए क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन बाई टू एक्स बराबर जीरो। बोलो ऐसा कुछ आएगा क्या? बहुत बढ़िया। इतने में कोई डाउट है? बताना है मुझे, आ रहा समझ में आ रही थी बात? पहली बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशियंट को वन बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है, समझ लो ना। बहुत अच्छे, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन बाई टू एक्स इक्वल टू जीरो। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो मैं इससे कंपेयर कर दूंगा, इससे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। बताओ यहाँ x का कोफिशियंट कितना है? माइनस टू, और यहाँ कितना है? 2g, तो ये आ जाएगा 2g बराबर माइनस वन बाई टू, इसका मतलब g बराबर माइनस का 1/4 आ गया। अब इधर बताओ f का y का कोफिशियंट कितना है? 2f। ऊपर बताओ कितना है ही नहीं भैया, ऊपर वाले में y वाला टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब उसका कोफिशियंट क्या हो जाएगा? 0। 2f बराबर 0, तो इसका मतलब f बराबर 0। g और f दोनों मिल गए, बोलो सेंटर क्या हो जाएगा बच्चे? सेंटर हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो माइनस जी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना? 1/4, 0। बोलो कोई डाउट हो तो, जीरो के आगे माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, वो जीरो ही होता है, क्लियर? बहुत अच्छे। अब बताओ रेडियस निकालनी है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी,
क्या बात है भाई, वाह बताओ कितना हो गया जी की वैल्यू, 1/4 का स्क्वायर प्लस लोहा माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस सी, सी भी 0 है तो बस रेडियस भी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 1/4 का स्क्वायर, बोले तो 1/4, तो रेडियस कितनी आ गई 1/4, सेंटर के कोऑर्डिनेट भी आएंगे 1/4, 0 और रेडियस आएगी 1/4, बोलो कोई डाउट हो तो, क्लियर हो गया, बहुत अच्छी, ये क्वेश्चन नंबर 9। और बताओ, मैंने पूछा फिर से वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1 to 5 में कोई प्रॉब्लम, 5 to 10 में अब कोई प्रॉब्लम, 10 में नहीं, 11 to 15 आ जाओ जल्दी से, 13 से पहले कोई प्रॉब्लम पक्का, बहुत अच्छे आ जाओ जी 13 पर, इस वाले इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, देखो ये सब मैंने कल ही बताया था, ठीक है, तो अब देखो 13 क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, इससे पहले आप लोग बता रहे 12, अच्छा बहुत अच्छे वेरी गुड, चलो 12 देखें, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5, तो रेडियस कितनी दी गई है, 12वां क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना, रेडियस दी गई है 5, चलो जी और क्या दिया है, रेडियस 5 हूज सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, बच्चे सेंटर कहां लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे कोई भी चीज लाई करे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो अब की बार मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे h, 0, ये h, 0 क्यों ले लिया, आ रही है बात समझ में आ रही है, मैं बार बार कह रहा हूं अगर वो सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो पक्का उसका वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो h, 0 हो गया, बोलो कोई डाउट हो तो, अगर फिर बता रहा हूं अगर वो वाई कोऑर्डिनेट कहता है ऐसा बोलता है y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो होता 0, k, तब क्या होता 0, k, तो अभी सेंटर के कोऑर्डिनेट भी मिल गए, फिर क्या बोला उसने कि सर्कल पासिस थ्रू 2, 3, चलो बाद में बनाएंगे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ, तो बोलो बच्चे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, इतने में कोई डाउट है, बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx और ये प्लस का कितना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बोलो आ जाएगा कि नहीं, ये बन गई सर्कल की इक्वेशन, लेकिन ऐसे नहीं छोड़नी होती, एच हमने अपनी मर्जी से माना है ना, तो एच आंसर में नजर नहीं आएगा, एच को हटाना पड़ेगा, एच को हटाने का क्या रास्ता है मेरे पास, क्या करेंगे, बोलेंगे भाई इट पासिस थ्रू, ये सर्कल कहां से पास हो रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है, बताओ अगर कोई सर्कल किसी पॉइंट से पास हो रहा होता है तो वो सर्कल की इक्वेशन को वो पॉइंट सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब इट पासिस थ्रू, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट बता दो बच्चा 2, 3, तो 2, 3 से पास हो रहा है इसलिए 2, 3 इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बोलो करेगा कि नहीं करेगा, बहुत अच्छे, एक्स की जगह पे 2 रख दो, 2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस का 2h * x, x की जगह पर 2 प्लस y, y की जगह पर 3 का स्क्वायर बराबर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 बराबर 25, 9 × 4 = 13, एच स्क्वायर माइनस का 4h बराबर 25 माइनस 13, ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस 4h बराबर 12, इसको इधर ले आएंगे तो एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इक्वल टू 0, बोलो यहां तक आ गया कि नहीं आ गया, बहुत अच्छे, एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इक्वल टू 0, यहां तक कोई समस्या है, बहुत बढ़िया, अब ध्यान सुनो h की कितनी वैल्यू आएंगी 2, इसका मतलब ऐसे 2 सर्कल पॉसिबल हैं जो कि इस पॉइंट से पास होंगे और उनका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, समझ गए ना, कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छे, चलो जी अब कोई दिक्कत नहीं, h की 2 वैल्यूज निकालेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो उनको सॉल्व करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती, क्या करेंगे बताओ, ये देखो एच स्क्वायर माइनस 12 बन जाए 12 के ऐसे दो टुकड़े जिनको माइनस करके 4 आए, 12 के ऐसे दो टुकड़े क्या होते हैं 6 × 2 = 12 और 6 − 2 = 4, तो यह आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस 6 − 2 × h − 12 बराबर 0, बोलो क्या बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस 6h + 2h − 12 = 0, एच कॉमन ले लूंगा क्या बचेगा एच माइनस 6 प्लस का 2 कॉमन ले लूंगा क्या बचेगा एच माइनस 6 इक्वल टू 0, एक बन जाएगा h प्लस 2 और एक बन जाएगा h माइनस 6 इक्वल टू 0, यहां से एक आ जाएगी h की वैल्यू कितनी बचे माइनस 2 और एक आ जाएगी h की वैल्यू कितनी प्लस का 6, दोनों पॉसिबल हैं, हो सकती हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, ये मत सोचना कि नहीं हो सकती, ठीक है ना, दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं, अगर दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं तो इसका मतलब सेंटर के 2 कोऑर्डिनेट पॉसिबल हैं, बोलो कौन कौन से, देखो तुम लोग तो मेरी राइटिंग समझ जाते हो ना भाई, एच कॉमा 0 माइनस का 2, 0 एंड 6, 0, ठीक है,
बस सिंपल, हमसे पूछा गया था। अच्छा इक्वेशन पूछी थी तो यहाँ रखो, एक बार क्या रखेंगे, एक बार h की वैल्यू रखेंगे माइनस टू, तो इक्वेशन बनेगी क्या बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर, माइनस टू इंटू बोलो बच्चे माइनस टू इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। ये बन जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस माइनस प्लस का 4x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और 25 को भी इधर ले आइए, माइनस का 21 बराबर 0। एक इक्वेशन तो ये बनेगी, नहीं समझी पक्का, ठीक। दूसरी देखो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस, अब बताओ फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं यहाँ रखो फिर, अब ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन सर्कल की। दूसरी बनाने के लिए एच की वैल्यू क्या रखूंगा, 6, तो एच की वैल्यू 6 रखिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू एक्स प्लस का वाई का स्क्वायर बराबर 25। इसराफिल बात समझ में आ रही है कि नहीं, बहुत अच्छे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 एक्स माइनस 25 बराबर 0, बताओ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स, 25 में 36 गया 11 प्लस का 11 बराबर 0। लो जी इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन होंगी, एक ये और एक ये, आंसर में जब देखोगे तो दो ही मिलेंगी, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ गई, बार बार हो गया, बहुत बढ़िया। 13वें क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, बड़े बहुत अच्छे, जल्दी से नोट करो जितनी जल्दी हो सके, ठीक है ना। नहीं ऐसा कोई सर्कल पॉसिबल नहीं है, हाँ तो बस वो पॉइंट सर्कल है, ठीक है, वेरी गुड, कुछ नहीं होता। अब यही तो समस्या है मेरे प्यारे, मेरे लाडले एक बात बताओ, पॉइंट को अगर हम फाइनाइट मान लें, मतलब जैसे क्या है, सबसे पहली बात तो यही आज तक लड़ाई है कि पॉइंट क्या होता है। अब पॉइंट किसी को पता ही नहीं है क्या होता है पॉइंट, एक इतना छोटा डॉट जिसकी शेप और साइज को रिकॉग्नाइज करना ही पॉसिबल ना हो, मतलब नहीं समझे, जिसके साइज को डिटरमाइन ही ना किया जा सके उसको पॉइंट कहते हैं, समझे ना। जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 3.0, अब मैं बोलता हूँ मैं 3.0 पे खड़ा हूँ, गलत बात है ये, 3.0 पे मैं कभी हो ही नहीं सकता खड़ा, क्योंकि मेरे दो पैर की दूरी इतनी है कि वो 3.0 को करो क्रॉस कर जाएगी, समझ ना, उसी बीच में पता नहीं कितने पॉइंट होंगे। मैथ्स कहता है इन्हीं मेरे दो पैरों के बीच में ही करोड़ों पॉइंट हैं, है ना, बस समझ, करोड़ों क्या बल्कि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो अब बताओ। तो इसलिए बच्चे सो कुल मिला जुलाकर ऐसा कोई सर्कल जिसकी रेडियस डिमिनिश्ड होते 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 क्या हो जाए, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, उसी को पॉइंट कहा जाता है। जिस सर्कल की रेडियस को डिमिनिश करते 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 छोटा करते 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 ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल लाया जा सके, बार बार कह रहा हूँ मैथ्स ये कहता है जीरो तो नहीं हो सकती लेकिन जीरो की ओर टेंड किया जा सकता है। तो अगर जब r जीरो की ओर टेंड करेगा तो सर्कल पॉइंट बनने लगेगा, सर्कल की शेप ही बदलने लगेगी, मतलब सर्कल का साइज जो है वो पॉइंट साइज होने लगेगा, बस इतना ही है, ठीक है ना। तो अगर कोई वैसे पूछे, प्रैक्टिकली पूछे कि प्रैक्टिकली कोई ऐसा सर्कल पॉसिबल है जिसकी रेडियस जीरो, तो जवाब देंगे नहीं ऐसा कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यार, क्योंकि कोई बना ही नहीं पाएगा। दूसरी बात, अगर कहने लगे कि मैथमेटिकली है क्या, हाँ है, मैथ्स कहता है ऐसा भी सर्कल हो सकता है बशर्ते कि, भाई एक बात बताओ ना, बात सुनो फिर, क्योंकि कहाँ के मैथ्स ये कहने लगती है, मैथ्स कहती है कल तक तो क्वांटम मैकेनिक्स भी नहीं हुआ करती थी, समझ गए ना, मैथ्स ये कहती है कल तक तो क्वांटम मैकेनिक्स भी नहीं हुआ करती थी, मैथ्स तो तब भी थी, तो जब क्वांटम मैकेनिक्स नहीं थी तो नैनो पार्टिकल्स भी नहीं थे, और नैनो पार्टिकल्स नहीं थे तो इसका मतलब आज हम नैनो तक पहुँच गए हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हम नैनो नैनो तक चले गए तो नैनो से नीचे नहीं जा सकते। न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा होता है, सर्कुलर जैसा ही होता है वो, ठीक है ना, एक पॉइंट जैसा ही होता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, ऐसा लगता है यार इतना छोटा प्रैक्टिकली बना पाना पॉसिबल हमें नहीं लगता, सुपर कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर आएंगे वो बना पाएंगे, समझ गए ना, वो डॉट बनाते हैं उतने पतले पतले, जितना ज़्यादा बढ़िया जितना पावरफुल कंप्यूटर होगा सुपर कंप्यूटर से भी बढ़िया कंप्यूटर कोई आ जाए, ठीक है ना, वो कंप्यूटर क्या करेगा चीज़ों को उतना ही ज़्यादा और मिनिमाइज कर देगा, क्लियर है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, बढ़े क्या, बढ़ जाए, पहुंचे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि भैया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0.0। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मजा इसलिए आता है कि आपको ना वर्ड प्रॉब्लम दी होती है, एक सर्कल की इक्वेशन बताओ जो कि कहां से पास हो रही है, 0.0 से, सर्कल पास हो रहा है 0.0 से, व्हाट डू यू मीन बाय 0.0, ओरिजिन, उस सर्कल की इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास हो रहा है। अब देखिए ये रहा ओरिजिन से पास होता हुआ सर्कल, बोलो कोई डाउट हो तो, नहीं डाउट है मुझे, एक डाउट है क्या, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं बोलता सर यही जरूरी थोड़ी ना है, ये भी तो हो सकता है,
ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, लेकिन अब आगे पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ जानकारी दी होगी। अगर यहाँ कोई शक आ रहा है हमारे दिमाग में कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, पहले तो आप ये समझो इसका मीनिंग समझ पा रहे हो कि नहीं, ये सर्कल पास हो रहा है कि नहीं, यहाँ से हो रहा है, इस पॉइंट को पास करते हुए जा रहा है ना। जब आप घूमते घूमते आप इस सर्कल के ऊपर चक्कर लगाओ तो एक बार पक्का हर चक्कर में इसको क्रॉस करोगे कि नहीं इस पॉइंट को? बहुत अच्छे, तो इसका मतलब ये सर्कल यहाँ से पास हो रहा है। अब आगे पढ़ते हैं क्या कहा है। फिर कहा है मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उन पे कट कर रहा है, उन पे टुकड़े काट रहा है, कितने कितने के, ए और बी के। अब ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, इसका मतलब है यही वाला बनेगा, नहीं तो अगर इधर बनाऊंगा तो ए नेगेटिव हो जाएगा और बी पॉजिटिव हो जाएगा, बी भी नेगेटिव। सुनो क्लियर, देखो सुनो, उसने कहा एक ऐसा सर्कल है, एक ऐसा सर्कल है जो कि ओरिजिन से तो पास हो रहा है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ए, एक्स एक्सिस को ए दूरी पे कट कर रहा है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कट, कट कहां कट मार रहा है, जैसे मैंने बोला था अगर y बराबर mx plus c में c क्या होता है, c होता है y एक्सिस पे काटा गया, इंटरसेप्ट मतलब लाइन y एक्सिस को कहां से कट कर रही है वो पॉइंट होता है, समझ गए ना। वैसे ही इसका a इंटरसेप्ट ये दिया है, ये a पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब इधर कट कर रहा है, x एक्सिस को इधर कट कर रहा है। अगर पॉजिटिव ना दिया होता, मान लो दिया होता माइनस a, तो फिर हम कहते हैं कि ये ओरिजिन से पास होता हुआ एक सर्कल में इधर बनाता है ऐसे। बोलो बात समझ में आ गई नहीं? ये तो अभी बनने को, तो यहाँ चार ऐसे सर्कल बन सकते हैं जो ओरिजिन से पास होंगे और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटेंगे। हाँ चार बनेंगे, चार से मेरा मतलब वैल्यू उनकी रेडियस आगे पीछे हो सकती है। क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं? तो अभी ये बताओ ए दिया है यहाँ पर और ये कितना दिया है बी, क्लियर? अब बताओ इतने में कोई डाउट है? नहीं। अब हम इस सर्कल की क्या पता करनी है, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। अगर इस सर्कल की इक्वेशन पता करनी है तो भाई मुझे क्या पता करना होगा बताओ तो? मुझे मुझे मेनली दो चीजें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होता है सेंटर के कोऑर्डिनेट और एक चाहिए होती है रेडियस, चाहिए होती ना। तो इसका मतलब ये रहा सेंटर और ये रही रेडियस, नहीं समझे? समझ गए। अब क्या होगा सर, ये देखिए ये कोड का काम करेगी, किसका काम करेगी, कोड का। और कल ही मैंने बताया था कि सेंटर के सर्कल के सेंटर से कोड पर डाली गई परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करती है, तो मैं इस कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दूंगा, ये कितनी लंबाई है इसकी पूरी, ए है, लेकिन ये इसको जब काटेगी तो ये कितनी हो जाएगी, ए बाई टू, समझ गए ना। इसी तरह एक परपेंडिकुलर इस पर डालूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, ये वाली बी बाई टू। बोलो सेंटर तक जाने के लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज ओरिजिन है ना, ओरिजिन, तो यहां से चलेंगे, बताओ एक्स के अलोंग कितना चलेंगे, ए बाई टू, वाई के अलोंग कितना चलेंगे, बी बाई टू, कहां पहुंच जाएंगे भैया, सेंटर पे पहुंच जाएंगे, तो ए बाई टू कॉमा बी बाई टू क्या हो गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट, बोलो हो गए कि नहीं। और तुम्हें ये भी मिल गया, ये पॉइंट तुम पहले से जानते हो ओरिजिन है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के रेडियस निकाल सकते हो, या फिर ये तुम्हें पता है बाई टू, ये तुम्हें पता है बी बाई टू, और ये भी पता है परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस लगा करके भी निकाल सकते हो, नहीं समझे। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट तो मिल गए क्या, ए बाई टू कॉमा बी बाई टू, मतलब ये तो हो गई एच और के की वैल्यू, और रेडियस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट, देखिए ये मेरा आर हो गया आर, तो आर बराबर पाइथागोरस लगा दूंगा, अंडर रूट ए बाई टू का स्क्वायर प्लस बी बाई टू का स्क्वायर, ए बाई टू का स्क्वायर प्लस बी बाई टू का स्क्वायर। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? नहीं। तो बस अब ये कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बाई फोर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर, आर बराबर आ जाएगा बोलो कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर, आर इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू। बोलो तुम्हें कोई डाउट हो तो? नहीं। अब बताओ सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आ जाएगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू का होल स्क्वायर। बोलो कोई डाउट हो तो? नहीं समझे। अरे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना सर्कल की, और मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है एच कॉमा के, और मुझे आर भी पता है, तो ये वाली इक्वेशन लगा दूंगा। अब ये बन गया क्या, एक्स माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर, सॉरी वाई माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर। नहीं समझे? हाँ, और बेहतर होगा अगर आप इसको खोल दें, पता नहीं अगर आंसर बुक में नहीं खोला गया तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन अगर खोल रखा है तो ओपन कर देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर माइनस टू ए एक्स बाई टू, नहीं समझे? बोलो क्या लगाया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी
फिर प्लस का y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर माइनस का 2by इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, छोड़ो इसको भी अलग अलग खोल देता हूँ, ए स्क्वायर बाई फोर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे ये कट गया माइनस ए एक्स, इससे यहाँ टू आएगा ठीक है, इस टू से टू कट गया माइनस बी वाई इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन में नोट कर लीजिए, समझ गए। और बताओ आराम से। हाँ बच्चे ये वाली ये हाँ ये और ये नहीं कोई जरूर नहीं है। हाँ हाँ होगी 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 बिल्कुल होगी, अब होगी मैंने भाई ना, अब तुम जैसे अभी पूछ रहे हो तो मुझे नहीं लगा, लेकिन ये चूंकि हाँ दो एक्सेस ओरिजिन पे पक्का हमेशा परपेंडिकुलरली कट करती है एक दूसरे को, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक दूसरे को ओरिजिन पर परपेंडिकुलरली बाइस कट करती है कट, क्लियर। तो ये एंगल 90 हो गया, अब हमने पढ़ा हुआ है एंगल इन सेमी सर्किल इज ऑलवेज 90 डिग्री, अगर ये एंगल अगर तुमने यहां से ऐसे मिला दिया इस पॉइंट को ऐसे ऐसे तो ये एंगल 90 बन रहा है, इसलिए पक्का ही डायमीटर होगी, पक्का 100 के 100% होगी है ना, 100 में और 10% जोड़ लोगे तो भी होगी, इसलिए क्योंकि थ्योरम है थ्योरम, और थ्योरम्स तो सबसे अपर लेवल होता है किसी चीज़ का, नहीं समझे। अगर कोई चीज़ थ्योरम से प्रूफ हो गई है, थ्योरम का मतलब पूरी तरीके से प्रूफ एकदम 100 के 100% ट्रू, उसमें कोई जरा सी 1% भी गुंजाइश नहीं, ठीक है ना। हमने थ्योरम पढ़ी है ना कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, और इसकी कन्वर्स भी होती है कि अगर एंगल किसी एक सेक्टर में 90 डिग्री एंगल बन रहा हो तो जिस लाइन को जिन दो लाइन से मिलकर बन रहा है वो डायमीटर होती है, होगी पक्का ठीक है, लेकिन ये और आसान पड़ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं ऐसे ही तो बताता हूँ कि यहाँ से चले कितना यहाँ से चले कितना, जब भी मुझे किसी कोऑर्डिनेट पे पहुँचना होता है ना मैं हमेशा यही काम करता हूँ, तुम मेरी बातों पे ध्यान क्यों नहीं देते, ये सोचा करो, ध्यान तो तब दोगे ना जब आपकी बातें अपनी खत्म हो जाएंगी है ना, जब अपनी बातें तुम्हारी खत्म होगी तो तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे, और वो क्या ध्यान दोगे कि भाई ये सब जो बता रहा हूँ ना मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो फंडे हैं जो आपको लग तो ये रहा होगा यहाँ बैठे हैं हम बस आराम से पढ़ रहे हैं भैया, कोई मजे कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना कुछ सिखाया जा रहा है ये बेसिक्स एक एक चीज़ के कि आप बेसिक को जानो कि हम उस पॉइंट तक पहुँचे कैसे, क्लियर। दो थ्योरम्स इस्तेमाल कर लिए हमने इसमें, पाइथागोरस थ्योरम और परपेंडिकुलर डालने वाली थ्योरम, सेंटर से कोऑर्डिनेट पर डाले सॉरी कोड पर डाले गए परपेंडिकुलर, तो और बाकी हमारा सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ क्वेश्चन नंबर 15 में कोई प्रॉब्लम, 14 में भी है, चलो जी 14 पे आ जाओ, मिटा दो इसको डायग्राम तो मिटा दो, हो गया तो ठीक। देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ बच्चे, बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर कहाँ है 2,2 नहीं हैविंग सेंटर 2,2 हाँ विद सेंटर 2,2 एंड पासिस थ्रू, ओके जी 2,2 तो दे दिया सेंटर और पास कहाँ से हो रहा है पासिस थ्रू ठीक है चार 4,5। मैं आपको अगर कब बताऊँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक बहुत रामबाण स्टेटमेंट लाइन क्या है वो ये है, जब भी कोई कर्व या कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है या कोई पॉइंट उस लाइन या उस कर्व के ऊपर लाई करता है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब होता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन में डालने पर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो जाती है, क्लियर। बहुत अच्छे, तो जी अब सेंटर मुझे दे रखा है 2,2, रेडियस नहीं दे रखी है तो रेडियस मैंने मान ली अपनी मर्जी से कि मान लो रेडियस क्या होगी आर होगी, लेट रेडियस आर, ठीक है रेडियस को मान लिया, बताओ अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो अब हम बोलेंगे सर ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, छोड़ो एच की वैल्यू रख देता हूँ डायरेक्ट, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हो गया। बताओ कितने वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में, कितने वेरिएबल हैं एक, एक्स और वाई वेरिएबल हैं लेकिन वेरिएबल ही रहेंगे, उनको नहीं भगाना है, उनके लिए क्यों चिंता कर रहे हो, उनके टर्म्स में तो आंसर ही लाना है, तो मेन मुद्दा है आर को किस तरह हटाना है यहां से, तो आर को हटाने के लिए क्या करेंगे, शिवम बात समझ में आ रही कि नहीं, बहुत अच्छे कहां से पास हो रहा है ये बोलेंगे इट पासिस थ्रू
इट पासेज थ्रू, कहां से पास हो जाएगा, कहां से पास हो रहा है, 4.5, ठीक है। अभी पिटाई करूंगा तुम्हारी मयंक, तुमने जब अस्थि कबूल लेना, बस उसको कबूल लेने दो, जब अस्थि है ना, आप देखो 4-2 का होल स्क्वायर है ना, उसको बता रहे थे जबरदस्ती कबूल लिया है ना कि हाँ आ गया। अभी ध्यान दो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बोला क्या तुमने, अच्छा ठीक है तब ये ध्यान दो फोर, अच्छा ठीक है कोई नहीं, इधर ध्यान दो, 4-2 का होल स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 4, वाई की जगह पे क्या रखेंगे 5, क्योंकि 4.5 से पास हो रहा है ना, तो एक्स की जगह पर 4, वाई की जगह पर 5 रख के इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 4-2 का होल स्क्वायर प्लस 5-2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, 4-2 गया 2 का स्क्वायर, 5-2 गया 3 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, 4+9 बराबर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 13, उठा के वैल्यू रख दो आंसर आ गया, खत्म। नहीं समझे, वापस फिर से इसी में रख दो पहली इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर की सीधे वैल्यू रख दो 13, अब इसका स्क्वायर मत कर देना कि वो r स्क्वायर की ही वैल्यू है 13, तो ये आ गया आंसर, बस हो सकता बुक में यही दिया हो, अगर नहीं ये दिया होगा तो ज़्यादा ज़्यादा इतना क्या होगा, इसको ओपन कर रखा होगा बस, इसको आप ओपन कर दिएगा फॉर्मूले को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बोलो इतने में को डाउट हो तो चाहे जैसे लगा दो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, वो भी वही बात है ना, सेंटर से सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच की दूरी कितनी होती है, रेडियस ही होती है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रेडियस ही कहलाएगी। मैंने दूसरा काम कर दिया कि मैंने पहले इक्वेशन बना ली अपनी मर्जी से आर के टर्म्स में, और फिर कहा क्योंकि ये सर्कल वहां से पास हो रहा है तो उसको पास करा दिया, आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, जो तुमने किया मेरे हिसाब से वो ज्यादा सही है। और बताओ, नहीं समझे, मेरी हमेशा से आदत रही है बच्चे, मैं कहता हूं जो बच्चे ने कर लिया वो ज्यादा सही, गलत नहीं होना चाहिए बस, अब तुमने मुझे बताया सब मैंने ऐसे निकाला वो जस्टिफाइड है, मतलब जस्टिफाइड है, ऐसे कर सकते हैं, अब जब कर सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हारे दिमाग में आ गया वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, तरीके सब जानने चाहिए, मान लो मैंने बताया तुम इसको भी सीख लो, बट आपके माइंड में जो आ गया सबसे पहले क्लिक कर गया वो ज्यादा अच्छा है। क्यों कहता हूँ, क्योंकि दूसरे की चाल चलने के चक्कर में अपनी चाल नहीं भूलनी चाहिए, समझे ना भाई, हम अपने चाल चलते रहे, अगर हमारी चाल सही चल रही है ना हम सही चल रहे हैं, नहीं तो दूसरे की चाल चलने जब कई बार अपनी भूल सकते हैं हम लोग, तो बेहतर है कि आप अपना काम करते रहिए। हाँ, जहाँ दिक्कतें फंसती है वहाँ दूसरों के सहारा लीजिए, ठीक है ना, दूसरों को, क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। हाँ भाई, 15 में कोई दिक्कत, आ जाओ, 15 में कोई दिक्कत वैसे होनी चाहिए थी, वही तो एक क्वेश्चन है अच्छा सा, उसी में आप फंस गए है ना, तो आने दो ना, से क्या फर्क पड़ता है, इतने गंदे गंदे सी वैल्यू दे रखी है ना उसने, तो सुनो कोई बात नहीं, बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, सौरभ नामी कोई स्टूडेंट है क्या क्लास में, बहुत बातें करने लगा आजकल, कंप्लेन है ना, कंप्लेन जाने ही वाली है, ध्यान से सुनो, बहुत बातें करने लगा, डज द पॉइंट, सुनिए, डज द पॉइंट -2.5, 3.5, सुनिए ध्यान से, 15वां क्वेश्चन, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सुहानी बात समझ में आ रही है तुम्हें, सुहानी तुम यहीं हो या कहीं और हो, यहीं हो ना, कभी बातचीत कर लिया करो, इधर है ना, देखो इसने कहा डज द पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, डज द पॉइंट लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, क्या दी है सर्कल की इक्वेशन, x² + y² = 25, पहली बात तो ये सर्कल की अगर इक्वेशन है तो पक्का इस सर्कल का सेंटर 0.0 के ऊपर लाई करेगा, बोलो करेगा कि नहीं, क्योंकि तो हमें पहले से ही पता है, अगर ना भी पता हो तो आप इसको लिख सकते हो x-0 का होल स्क्वायर + y-0 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, अब इसको कंपेयर करोगे किससे, x-h का होल स्क्वायर + y-k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, h कितना 0, k कितना 0, सेंटर के कोऑर्डिनेट 0.0, वैसे भी मैंने याद कराया हुआ है कि x² + y² = r² की अगर फॉर्म है तो पक्का उसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है, तो बोलो सेंटर क्या हो गया, ओरिजिन, ये तो हो गया सेंटर, रेडियस कितनी हो गई 5। अब सुनो, अब मैंने ऐसा एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर तो कहां गया, ओरिजिन पे, और रेडियस कितनी है इसकी 5, अब वो मुझसे कहना चाह रहा है कि बताओ ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है, या सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम इस सर्कल, ध्यान से देखना, इस पॉइंट की मैंने मान लिया, सुनो ये बच्चे, मैंने मान लिया कि ये पॉइंट यहां लाई कर रहा है, क्योंकि मेरी मजबूरी है, कहीं ना कहीं तो मानूंगा,
अंदर ले लो, तुम्हारा मन अंदर करने का है, मतलब मेरा कहने का जहां मन करे वहां मान लो, ठीक है। मान लिया कि ये पॉइंट यहां लाई कर रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं, -2.5, 3.5। सर्कल के सेंटर से इसकी दूरी निकाल लो, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप क्या इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकाल सकते हो? Yes, पक्का? Yes। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई 5 के इक्वल, तो बोलेंगे भैया ये यहां नहीं होगा, ये इसके ऊपर लाई करेगा। और अगर आ गई 5 से ज्यादा तो हम बोलेंगे पक्का बाहर लाई करेगा, क्योंकि अगर ये दूरी 5 से ज्यादा आ गई, 5 से ज्यादा इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 5 से ज्यादा आ गई, ये दूरी अगर 5 से ज्यादा, तो जाहिर है कि 5 से ज्यादा होने का मतलब ओरिजिन से ये पॉइंट 5 से भी ज्यादा दूर है, तो समझो रेडियस के बियॉन्ड है। रेडियस के बियॉन्ड है मतलब सर्कमफ्रेंस के बियॉन्ड है, आउटसाइड हो जाएगा, नहीं समझे? बहुत अच्छे। और अगर आ गई कम, 5 से कम, तो अंदर नहीं करेगा। बोलो क्या दिक्कत आई? तो अब डिस्टेंस निकालो जल्दी से। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। बताओ x2 कितना? माइनस का 2.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस का 3.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखो, तुमने कहा इतने बुरे बुरे से नंबर ही दे रखे हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लग रहे हैं बुरे से, मैं बोलूँगा 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, है ना, नहीं कुछ बुरा नहीं होगा। देखो डिस्टेंस निकाल रहा हूँ यहाँ, 5 × 25/4 प्लस 7 का स्क्वायर 49/4, मतलब d बराबर कितना आ गया 9, 5, 14 का 4 का 1, 4, 2, 6, 7 74/4, ये आ जाएगा √74/4, नहीं सॉरी 2/2, ये आ गई डिस्टेंस। बार बार कह रहा हूँ ध्यान समझिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो है, ये तो अलग था ना क्वेश्चन, ओके। अब बताओ d की वैल्यू अगर r से बड़ी आ गई, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार आपको, इफ d ग्रेटर देन r, ये जो मैंने डिस्टेंस निकाली इन दोनों पॉइंट के बीच की, अगर वो r से बड़ी हुई तो आउटसाइड लाई करेगा, आउटसाइड। और अगर d इज इक्वल टू r तो ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल यानी सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई करेगा। और d लेस देन r अगर आ गया तो इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? अब ये निकालना जरूरी है तुम्हारे लिए, √74, तो हम बोलेंगे सर 8, 8 = 64, 9, 9 = 81, 9 से पक्का कम ही आएगी। और 9 से अगर कम आएगी तो 9 का बाई 2 मतलब 4.5 से कम ही आएगा, 9 का आधा होता 4.5, उससे भी कम आएगा, 4.5 से भी कम आएगा, तो इनसाइड हो जाएगा बिना सॉल्व किए। और अगर सॉल्व कर लो तो बेहतर है, तो करना ही पड़ेगा। अगर 11th में पेपर में आता है क्वेश्चन, करके दिखाना पड़ेगा। रूट 74 की वैल्यू निकालेंगे, वो 8 पॉइंट कुछ करके आएगी, 8 पॉइंट कुछ को डिवाइड करेंगे 2 से, तो जो आंसर आएगा वो आपका 5 से छोटा ही आएगा, और 5 से छोटा आएगा तो इसका मतलब पॉइंट इनसाइड लाई करेगा। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं? बहुत अच्छे, क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हुई, या 11.1 पुरानी बुक के हिसाब से, ठीक है ना। आर्य शर्मा दिखाओ जल्दी से बच्चे, है ना, अभी कहीं नहीं जाना है, परेशान मत होइए, ठीक है ना। हाँ देखो, है ना, ले आओ। कोई बात नहीं, सुनो बच्चे, सुनो बहुत ध्यान सुनो। कल की क्लास में हम लोग पैराबोला पढ़ेंगे, लेकिन आज सर्कल का मामला खत्म, ठीक है ना। एनसीईआरटी के हिसाब देखो तो इस तरह, अगर इस तरह हम लोग करना चाहें तो एनसीईआरटी तो हम ऐसे ही करा दें, हर दिन एक एक्सरसाइज करो, हर दिन एक एक्सरसाइज छुट्टी, ठीक है ना। बस सिर्फ दो ही चैप्टर ऐसे थे जिनमें कि एक दिन में एक एक्सरसाइज नहीं हो सकती थी, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज और स्ट्रेट लाइन, सिर्फ दो चैप्टर ऐसे हैं। बाकी कोई चैप्टर उठा लो आप, हर दिन एक एक्सरसाइज करा जा सकती है आराम से, आधे घंटे से ज़्यादा किसी भी एक्सरसाइज में नहीं लगता, ठीक है ना, एनसीईआरटी की। लेकिन इतने को पढ़कर आप खुश मत हो जाइएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप आरडी शर्मा उठाएंगे या आरएस अग्रवाल उठाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार वाकई कुछ है करने के लिए, है ना, हमारे पास ओके। या फिर एग्जाम्पलर उठाइएगा, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेंगे तो भी कुछ करने में मजा आएगा। हाँ इसमें सब मिक्स है, आरडी में तो सब दे रखा है, अगर आरडी लगा लें इसलिए सब, मतलब वो लगभग सबको मिक्स कर रखा है, वो काफ़ी ठीक ठाक है। अब सुनो, इसने क्या कहा, फाइंड द सेंटर सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। अरे दोनों से आएगा यार, क्या बात कर रहे हो, x2 + y2 + 6x - 4y
प्लस 4 इक्वल टू 0, ये कहा गया है। इस सर्कल की, इस सर्कल के सेंटर और रेडियस बताओ, ध्यान लगाओ। तो पहले मैं इसको जनरल वाले से कराऊंगा, वैसे जब भी कभी आए ना, अब अगर आरडी लगा रहे हो तो कभी भी स्टैंडर्ड यूज मत करो, जनरल यूज करो, लेकिन फिर भी मैं उससे भी करा दूंगा क्योंकि तुम कह रहे हो कि उससे नहीं आ रहा है, उससे भी आएगा। प्लस 4 बराबर 0, ये कहो कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। अब सुनो, 2g is equal to क्या होगा, 2g is equal to 6, तो 2g is equal to अगर 6 होगा तो g is equal to 3 होगा, ओके। अब अगर 2f is equal to minus 4 है तो f is equal to minus 2 होगा। सर सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, minus 3 comma 2 हो जाएंगे, बहुत अच्छे। रेडियस क्या हो जाएगी सर, रेडियस इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर, जी मतलब 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर माइनस सी माइनस 4, यह आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 4 माइनस 4, क्लियर है। 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 3। अच्छा क्या रिसर्च कर रहे हो इस पर, इस पर रिसर्च क्या कर रहे हो, मैथमेटिक्स कैसे लिखा है, पीले कलर से येलो कलर से लिखा है, इसलिए मान जाओ, अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करो, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब क्या नहीं मान रहे तो क्या करा जाएगा, मैं लगातार बार बार बोल रहा हूँ, अब नाम ले लेके बताऊंगा ताकि तुम्हारे पिताजी भी देख लें, ठीक है ना, समझ मेरी बात ना, अब है मान, होने दो, ठीक है, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा, जब बार बार कह रहा हूँ भाई मान जाओ। और मैं इसको अब एडिट भी नहीं करूंगा, ऐसे ही भेजूंगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ठीक, हाँ जी, समझो बेटा, पिताजी के पास चली जाएगी, दिक्कत में आ जाओगे, मान जाओ बात को, है ना, क्योंकि वो ऐसे ही टेंशन में रहते हैं, तुम मान ही रहे हो, लेकिन जब बार बार कह रहा हूँ भाई इधर ध्यान लगा लो, ये नहीं बता रहे हैं तुम्हें, ये तक नहीं पता मैं ये कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, बताओ अच्छा कौन सा करा, 13 और अच्छा चलो ठीक, इतना दिमाग, इतना सोच के बैठा है कि कहीं ये ना पूछ ले कि एनसीईआरटी का करा रहे हैं या आरडी शर्मा करा रहे हैं, इतना सोच के बैठा पहले से, चलो अच्छा ठीक है समझो, नहीं नहीं पुराना ही है, पर पुराना है तो इसका क्या मतलब है, नहीं सीखोगे, सीख लो, यहाँ ध्यान लगाओ, बस अब कुछ ना कहो, बस इधर ध्यान लगाओ, हो गया। आर के वाले कितने बच्चे, 3 आ गई, खत्म। अब हम चाहते हैं यही दूसरे तरीके से करना, चलो कर लेते हैं, देखो क्या बताया था, हमेशा x वालों को एक साथ बोलो और y वालों को एक साथ, और कांस्टेंट टर्म को बाहर रख लो, हो गया। अब बताओ ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्क्वायर, मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना, देखो क्योंकि अभी जो है ना भाई, आज बहुत सही तरीके से क्लास हो रही, तो अब इसी तरीके से पढ़ते रहो। अब यहाँ ध्यान लगाओ, ये मैंने पहले लिए x वाले एक साथ, y वालों को y वालों के साथ, अब इसमें लगाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x का कोफिशियंट 6, 6 का हाफ 3, 3 का स्क्वायर ऐड कर दो और 3 का स्क्वायर सबट्रैक्ट प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5y का कोफिशियंट 4, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दो प्लस 4 बराबर 0। अब देखो ये टर्म और ये टर्म मिलाकर बोलो क्या बना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9, ये वाला 9, फिर प्लस ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बना y माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना माइनस कितना 4 और प्लस 4 बराबर 0, ये वाला माइनस 4 और ये वाला प्लस 4, ठीक है, ये कैंसिल, अब ये क्या बन गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 9। अब ये देखो x माइनस ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिख देते हैं, प्लस को तोड़कर लिख देते हैं माइनस ऑफ माइनस, माइनस ऑफ माइनस, और फिर प्लस का y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, समझ गए, बताओ h कितना हो गया, h की वैल्यू हो गई माइनस 3, नहीं समझे, x माइनस h का होल स्क्वायर से कंपेयर कराएंगे ना, तो h की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 3, k की वैल्यू कितनी हो गई 2 और r की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो गए माइनस 3 कॉमा 2 और रेडियस कितनी हो गई, लो जी हो गई 3, खत्म, ये तो रहा माइनस 3 कॉमा 2 3, ठीक है। अरे तुम कुछ गलती कर रहे होगे ना, इसीलिए कह रहा हूँ, तो भाई वो मैंने कहा था ना कि तुम ये मत कहो कि उससे नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इससे हो रहा है तो उससे होगा, नहीं तो इससे भी नहीं होगा, हाँ इससे भी नहीं होगा, हाँ 9th कहाँ है, ये वाला 9th, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक ठीक ठीक, देखो रुक जाओ उसका ना, अभी सबसे पहले बात इसका हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट निकाल लिए,
रुक जाओ अभी, है ना, क्योंकि मुझे अभी बहुत से ऐसी चीज़ें बतानी है जो बतानी बाकी हैं, ठीक है, ओके। सुनो बच्चे, अब आपको बताना है मुझे इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब बात ना करो, अब बात ना, सुनो, बढ़ते मिटा दो इसको, ठीक, जल्दी से, ठीक है ना, ठीक है, टाइम बताओ एक बार देख बच्चे। 43, ओके, चलो कोई नहीं, ध्यान दो, होने दो, अभी यहाँ ध्यान लगाते हैं, अभी बच्चा है हमारे पास टाइम। मैंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन द सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। ध्यान सुनिए, हमें उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो कि सर्कल, जो सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो। देखिए, एक ऐसे सर्कल जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कहां कर रहा है वो सब बताएगा क्वेश्चन में, लेकिन फिलहाल के लिए बस वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो मैं जनरल इक्वेशन बनवाना चाह रहा हूं। देखो, आपको एनसीईआरटी में नहीं दी है सब इक्वेशंस जनरल फॉर्म में, लेकिन ये यहाँ इसने बहुत सारी फॉर्म बना दी जनरल। अगर आपने कल किताब खोल के देखी होगी तो आपने देखा होगा यार कितनी बढ़िया बढ़िया फॉर्म बनाई हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर से टेंजेंट के बीच जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो रेडियस होती है, ये टेंजेंट हो गई ना एक्स एक्सिस, समझो इसकी क्या हो गई टेंजेंट, और ये हो गया सेंटर, तो सेंटर रेडियस के बीच ये कितने हो गई रेडियस ए। मान लो कि ये किस पॉइंट पर टच कर रहा है इसको, ए कॉमा जीरो। अगर ये ए कॉमा जीरो पर टच कर रहा है, सर्कल अगर एक्स एक्सिस को ए कॉमा जीरो पर टच कर रहा है, तो बताओ सर्कल का सॉरी क्यों 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 बस ए कुछ भी हो सकता है, क्यों जिस पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है। अच्छा हाँ, सुनो सुनो, जहां ये इसको टच कर रहा है ना, मान लो मैंने उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, ए कॉमा जीरो, तो रेडियस क्या नहीं हो सकती, अब ए नहीं हो सकती, वैसे बिल्कुल सही बात कर रहा है लड़का, ठीक है ना। तो रेडियस कितनी होगी, इसको अभी मैंने आर ही माना, अगर रेडियस आर है तो बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी, बोलो। तो बेहतर तो ये होगा ना कि अगर ये रेडियस आर है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो कॉमा सॉरी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कॉमा नहीं समझे, ए कॉमा आर नहीं समझे, बताओ। अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो कहां पर, ए कॉमा जीरो पर, मतलब मान लो कि उसने आपसे कहा एक सर्कल एक्स एक्सिस को चार यूनिट दूर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो फोर यूनिट दूर का मतलब एक्स एक्सिस से यहां से ओरिजिन से चार यूनिट दूर, मतलब ए यूनिट दूर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ए कॉमा जीरो, क्लियर। और रेडियस मैंने मान ली इसकी कितनी, आर, तो बताओ सेंटर पर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स के अलोंग चलना पड़ेगा ए और वाई के अलोंग चलना पड़ेगा आर, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, सेंटर पर, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए क्या, ए कॉमा आर, और रेडियस रेडियस होगी कितनी आर, रेडियस होगी बस कितनी आर, नहीं समझे आर, तो बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो नहीं समझे, सेंटर के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के हो गए ना, लेकिन ये एच कॉमा के ही अब ए कॉमा आर बन जाएगा, कारण क्योंकि यहां से चले ए और ऊपर की ओर चले रेडियस के बराबर, कहां पहुंच गए, सेंटर पर, सेंटर पर, बोलो बात समझ में आएगी नहीं, बहुत अच्छे। तो ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, भी खोल दो अगर चाहो तो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू वाई आर बराबर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस टू आर वाई और प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, ठीक है ना, क्लियर इतनी बात। अच्छा, आप ये भी कह सकते थे कि इसके कोऑर्डिनेट आप खुद ही मान लो एच कॉमा के, क्या मान लो एच कॉमा के, तो एच तो हो जाएगा ए के इक्वल और के हो जाएगा आर के इक्वल, ठीक है ना, समझ में आ रही बात, के हो जाएगा आर के इक्वल, बोलो कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छे। एक और समझो, इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग वाई एक्सिस, ऐसे ही और भी करेंगे अगली क्लास में, लेकिन फिलहाल आप इतना करो, अभी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आरडी में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप जाके लगाइएगा, आपकी वैसे तो सर्कल मेरी तरफ से ओवर हो गया टेंथ क्लास अगर एनसीईआरटी के हिसाब से लो, लेकिन आरडी भी क्वेश्चन लगाइए, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। मान लो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस को टच कर रहा है, अगर कोई सर्कल पॉजिटिव वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो उसकी इक्वेशन, तो हमने कहा मान लीजिए कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को टच कर रहा है, जहां टच कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो कॉमा बी कुछ भी हो सकते हैं,
जीरो, लेकिन ये कंफर्म है कि उसका एक कोऑर्डिनेट पक्का जीरो होगा, कौन सा वाला, एक्स वाला, तो जीरो कॉमा बी हो गया। और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट बताएंगे क्या हो जाएंगे, एच कॉमा के। आप मुझे बताओ एच की वैल्यू कितने के इक्वल, ये कितनी, ये कितनी, एच के इक्वल होगी, और यही कितनी भी होगी, यही क्या भी होगी, रेडियस। तो इसका मतलब एच बराबर, नहीं समझे आपकी बात, पिछली बार क्या हुआ था, के बराबर आर, आपकी बार क्या हो गया, एच बराबर आर, एच बराबर आर। और एच बराबर अगर आर है तो बताओ मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट पे जाना है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, ये के बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर आर और के बराबर बी, बोलो हो जाएगा कि नहीं, बहुत अच्छे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हो जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। आप जल्दी से बता दीजिए h की जगह पे क्या रख दूं, r, तो ये हो जाएगा x माइनस r का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह पे क्या रख दूं, b, b का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, समझ गए। ये वाली इक्वेशन बताओ किन दो चीजों से निकल जाएगी, केवल 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 आपको सर्किल की रेडियस पता हो और वो एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रही है वो पता हो, इसमें रखो आंसर आ जाएगा दौड़ते हुए, समझ गए ना। अच्छा अब आप कहेंगे एक बात मुझसे और पूछो, फिर एक सवाल और पूछो कि भैया क्या ये इक्वेशन याद करनी है, नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, कारण क्योंकि सिर्फ आपको बनाना आना चाहिए यार, ये भी तो हम बना ही रहे हैं, ये कोई हमने डायरेक्ट किसी ने हमें बताया तो नहीं कि ये इक्वेशन होती है याद कर लो रट लो, नहीं ये हमने बनाई, जैसे ये बनाई वैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मान लो उसने हमें क्वेश्चन में दे दिया कि एक सर्कल एक्स एक्सिस को 3.0 पर टच कर रहा है, तो ये हो गया 3.0। अब 3.0 पे टच करता हूं, एक सर्कल बनाओ अपने आप, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ कि रेडियस कितनी लेनी है, ये कितना लेना है, समझ गए ना, बहुत अच्छे। तो अब ये भी इसको भी सॉल्व कर दोगे तो यहां से एक इक्वेशन बन के आ जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद बात समझ में आ रही होगी, पक्का श्योर, बहुत अच्छे। कल की क्लास देख करके आइएगा, कल मॉर्निंग क्लास है, देखो सुनो सुनो बात ध्यान समझो बच्चे, सबसे पहली बात एक सर्कल था जो कि वाई एक्सिस को टच कर रहा था, अगर वाई एक्सिस को टच करता हुआ कोई भी सर्कल बनाओगे तो उसका सेंटर यहां कहीं लाई करेगा, करेगा। अब मैंने इस सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लिया एच कॉमा के और रेडियस मान ली सर्किल की कितनी, आर, ठीक है। अब बताओ मुझे ये जो आर है, बताओ इसके कोऑर्डिनेट अगर एच कॉमा के हैं तो हम इधर कितना चले होंगे एच और इधर कितना चले होंगे के, मतलब ये वाली दूरी तो हो गई एच और ये वाली हो गई क्या के, बताओ ये एच कितने के इक्वल हो गया, आर के इक्वल, एच बराबर और के बराबर, तो एच बराबर आर के बराबर बी फॉर्म में रख दिया, समझ गए। इसको बस सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कल मॉर्निंग में क्लास रहेगी, टाइमिंग देख करके आइएगा, ठीक है ना, ओके। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत बढ़िया समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलो मिलते हैं आज के लिए इतना काफ़ी।